प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहां से इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाएं ताकि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। देख सकते हो यहां पर आपको जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो आप लोग यहां से इस जगह पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। टोटली ए टू जेड क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार का मिलने वाला है जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। देख सकते हो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें 23 होगी और कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या इसमें 8 होगी और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में मिलने वाला है। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा ये रहा आपके क्वेश्चन पेपर का पहला वाला पेज। अब चलिएगा इसको खोलते हैं और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेहनती। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से विशेषण छाटिए, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा गर्म गर्म। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है वर्ण वा का उच्चारण स्थान है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा दंत प्लस ओष्ठ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक संस्थान नासा किस देश में है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अमेरिका। उसके बाद में अगला क्वेश्चन एक दिन भुज का पाठ के में लेखक किससे बात करता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा डायरी से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा पुत्र के शिक्षक के नाम पर लिखा था। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 लिखा है जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दो शब्दों के मेल को कहते हैं, तो देखिएगा दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं समास। उसके बाद में हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपये की राशि एकत्रित की, तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना करोड़ों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन सतपुड़ा के घने जंगल ये कविता ने लिखी, किसने लिखी भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं लाभ शब्द का विलोम होगा, लाभ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है बसावट शब्द में प्रत्यय होता है, कौन सा होता है आवट। उसके बाद में सूरज का चारों ओर बिखरा हुआ है, क्या बिखरा हुआ है तेज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सभी लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 लिखा है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए, सही जोड़ियाँ बनाकर किस प्रकार से लिखनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं पीर की मजार सूफी संतों की दरगाह, इसके बाद में हेलन केलर स्वावलंबी महिला रा के रूप रेप वेम पदेन्द्रा, और उसके बाद में अनुस्वार अम होगा, और उसके बाद में कारक चिन्ह विभक्ति या परामर्श होगा, आकाश शून्य खगोल मंडल अंतरिक्ष होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसका जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर अभी तक हमने इतना पेपर देख लिया है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसका मिलान कर लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा वैज्ञानिक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 10-5। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से देख लेंगे मेहनत ने बड़ी रुचि से कौन सी चीज़ खाई है, भुजिया बर्फी लड्डू खीर पूड़ी, मेहमान लिखा है। उसके बाद में सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था, रन फॉर यूनिटी मैराथन इनको करनी थी। उसके बाद में हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, देखो नल से कुआं से हैंडपम्प से आदि जगह से हमें पानी प्राप्त होता है। उसके बाद में पंडित अलोपीदीन कौन थे, इसका उत्तर आ जाएगा एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इनको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है बंसीधर को नमक के दरोगा की नौकरी मिल गई थी, ये सत्य होगा। डॉक्टर कलाम के बचपन के 2 दोस्त थे रामानंद व अरविंद, बिल्कुल सत्य होगा। पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। मूल व्यंजनों की संख्या 35 है, तो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में जो हथियार फेंककर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है, ये बिल्कुल सत्य होगा। उसके बाद में आगे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं
कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीज़ों से संतोष कर लेते थे? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला? इस प्रकार के सभी क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको बताए गए हैं, आप सभी लोग इनको बराबर नोट करते चलें। और उसके बाद में ये आगे के प्रश्न लिखे हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है? हेलन केलर के माता व पिता का नाम लिखिए। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। उसके बाद में आगे के इन क्वेश्चनों को आप लोग देखते चलें। अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्यों क्या खाते हैं? कल आप में कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे ये आपको बताना है। इसके बाद में जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? प्यारे विद्यार्थियों, मैंने वैसे आपको सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप लोग वहाँ से प्रत्येक वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप सभी लोग इनको अच्छे से समझ लें और इनको अच्छे से याद कर लें। देखिएगा, इसी प्रकार का टोटली क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने वैसे आपको समझा दिया है, और पूरा हो सके तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। चलेगा अब आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को समझते हैं ताकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग इन प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हो, कारक की परिभाषा आपसे पूछी गई है, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा आपसे पूछी गई है, चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखे, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते और क्या खाते हैं, कल आपने कौन सा अच्छा काम किया, सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इनको अच्छे से पढ़ लेंगे और इनका रिवीजन कर लेंगे। पुराने ज़माने में पत्र संचार में कौन कौन से माध्यम थे, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, समाचार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, नमक का दरोगा खाने का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके बाद में आगे क्वेश्चन पेपर है आपका, आप लोग देख सकते हो, आप अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं, क्रम व ट्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए, सतपुड़ा के घने जंगल कविता की चार पंक्तियाँ लिखिए, पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, उसके बाद में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे देखिए पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, उसके बाद में मेजबान कहानी किस बोली की लोककथा है, पत्नी साप गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, उसके बाद में आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न नंबर 20 लिखा गया है, उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है, और उसके बाद में देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है जिसमें कि आपसे पूछा गया है, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया है, बाकी के क्वेश्चन पेपर के वीडियो भी आप लोग अगर देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप लोग सभी पेपर को अच्छे से तैयार जरूर कर लें, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीकी आ चुकी है। और मैंने जो आपको क्वेश्चन पेपर बताया इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको त्रैमासिक परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।